गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन बात कर रहे थे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में अपन ने व्याख्या देखी थी कि किस प्रकार से चतुर्भुजों को सर्वांगसम किया जाता है, किस प्रकार से चतुर्भुज को कौन कौन सी विशेषताएं होती है, एक चतुर्भुज के अंदर क्या क्या गुण हो सकते हैं वो अपन ने देखा। आज उसी गुणों की अपन व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि एक समान चतुर्भुज के साथ साथ आयतमी भी क्या गुण होते हैं। क्यों? क्योंकि आय समांतर चतुर्भुज के अंदर केवल एक ही आकृति नहीं आती। हम पहले पढ़ चुके हैं समांतर चतुर्भुज में वर्ग भी आता है, आयत भी आता है, सम चतुर्भुज भी आता है और स्वयं समांतर चतुर्भुज भी आता है। तो समांतर चतुर्भुज एक प्रकार की आकृति नहीं है, बल्कि ये अलग अलग भिन्नताओं वाली अलग अलग प्रकार की आकृति है, जिसमें समांतर चतुर्भुज वाली आकृतियों के अंदर समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज या अन्य प्रकार की और भी कोई आकृतियां वो समांतर चतुर्भुज के अंदर आती है। और समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में अपने देखा था, समांतर चतुर्भुजों के अंदर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज के अंदर जो एक विकर्ण है वो तो सर्वांगसम त्रिभुज बनाता है, हैं? और इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इनकी जो भुजाएं हैं वो सर्वांगसम होती है। तो अन्य प्रकार के और भी कई अपन ने देखे थे, इनकी जो गुण है वो गुण अपन ने देखे थे। आज अपन बात करेंगे आयत की, कि आयत के ऐसे कौन कौन से गुण हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अन्य आकृतियों से बिल्कुल भिन्न होती है या अलग होती है, उसके बारे में अपन देखेंगे। आइए अपन देखते हैं आयत के बारे में कि आयत कैसा, क्या, किस प्रकार की आकृति का होता है वो अपन देखेंगे। आओ साहब, एक बात अपन दर्शाएंगे कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, इस बात को अपने को सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं पहली बात बराबर होती है। हम आयत को देखते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आपको बताना है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 होता है, समकोण होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। अब पहली बात, आयत के आप गुणधर्म देखो कि गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, ऐसे और भी आकृति के गुण गाते हैं, कई आकृतियों में भिन्नता भी होती है, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तब पता चलेगा। एक आदमी दूसरी आदमी की चुगली कर ले, उसकी कमजोरी निकाल दे, उसकी कमियां गिना दे, अरे तो भाई जिन इंसान में कमियां हो गई इंसान में गुण भी हो, अगर भी गुण ढूंढ ले तो पूरी दुनिया चुकी राशि। तो वैसे ही आकृतियों के अंदर भी एक आकृति, जैसे कहा समांतर चतुर्भुज में कई प्रकार की आकृतियां आती है, वो बोले सारी समांतर चतुर्भुज है, बोले कोना, क्यों, बोले कई आकृतियों में भिन्नता भी होती है, कई आकृतियों में भिन्नता भी होती है और उसी भिन्नता के कारण उसको अलग अलग कहा जाता है, कई को गलत कहा जाता है, भले ही वो समांतर चतुर्भुज है, आयत को आयत कहा जाता है, भले ही वो समांतर चतुर्भुज है, वर्ग को वर्ग कहा जाता है, वो समांतर चतुर्भुज है, और वो फूल भी उनको समांतर चतुर्भुज ही बोले, पर तो बोले तो क्यों, वो कुछ गुण तो समांतर चतुर्भुज का भी है, कुछ गुण खुद का भी है, कई कई इंसानियों का जब आपका मतलब बेच खाता, बोले वो तो आपका पिता नहीं जैसी, क्यों जैसी, बोले को गुणियां गई है, लेकिन खुद का गुण भी शिव का गुण भी अलग है, उसको अलग बनाता है, जिसमें ऐसे स्थिति भी
अपने पिता से अलग बनाते हैं। वैसे आकृति भी ऐसे ही होता है कि हर आकृति एक जैसी नहीं होती, सारी एक जैसी होती है, तो फिर ज्यामिति का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, समतल आकृति का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। फिर ज्यामिति क्यों क्यों दी, आप समझिए इस चीज को ठीक साहब। अब मैं सिद्ध करता हूं कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब देखो, पहले बात, अपने को आयत का ज्ञान होना चाहिए कि आयत क्या है, कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है, ये अपने को देखना है। क्या आयत है साहब? और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बिना काम भी नहीं चलता। आयत की कुछ विशेषताओं के नॉलेज भी जरूरी है। छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, आयत 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 पढ़ते आ रहे हैं, जल्दी भी है। एक बुजुर्ग आदमी सड़क पे किताबें बेच रही, आने जाने वाले सुबह से शाम हो गई, एक किताब नहीं बिकी, रोड पे सड़क के किनारे लगा के किताबें बेची, एक किताब नहीं बिकी। शाम को एक छोरा आया, बोला पढ़ने वाला, ले चल दे रहे किताब, अपने काम के पढ़ लेंगे, ले लिया दो तीन किताबें, ले ली। जाने लगा, बोले बाबू जी वो ले लो, बोले क्या करूँगा किताबों को, तीन ले ली, तीन पढ़ ली कोई खूब है, बोले और ले ली, बाबू भी रोजी रोटी चल जाए, मेरा भी पेट है, मेरा भी बच्चा है, मेरे परिवार है, तो बाबू जी के गुरु दे दिए, तेन पेट पाल कर तेन दे दिया। तो बोले ऐसी क्या मजबूरी, मजबूरी घड़ी है, जूता कारी पूरी मर्जी, क्यों खाया जूता, बोले जिस आदमी को जिस परिस्थिति में जिस जगह में किताबें तो रोड पर और जूते यदि शोरूम में बिकते हो तो समझ जाना आदमी को जूते की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। जूते शोरूम में बिकते हो और किताबें यदि रोड में बिकते हो तो समझ जाना कि लोगों को जूते की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान ए बी सी डी एक आयत है। अब मुझे ये बताना है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसको कैसे सिद्ध करूंगा? देखो साहब, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत के अंदर, या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि आयत में तो लंबाई और चौड़ाई के अलावा कुछ नहीं होता। लंबाई भुजाओं की आधार, भुजा की बात कर रहा हूं, लंबाई चौड़ाई नाम की भुजा होती है साहब। अब प्रत्येक कोण को सिद्ध करने के लिए क्या करूंगा, हिसाब सबको मैं एक विकर्ण बना दूंगा, एक विकर्ण पहले। और आप जानते हैं कि विकर्ण ने दो सर्वांशम त्रिभुज बना दिया एक तरीके से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म यही था कि एक विकर्ण कितने सर्वांशम त्रिभुजों को बनाता है, दो सर्वांशम त्रिभुजों को बनाता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ये सिद्ध करता है, मैं सिद्ध करूंगा इसको कैसे सिद्ध होता है। आओ पहले मैं बात करूंगा, दो त्रिभुज बन गए ए बी सी, सुनने की कोशिश करें आप, और सर्वांगसम त्रिभुज है, ये लो साहब सर्वांगसम त्रिभुज ए सी और डी, बोले मेरे तो दो ही विकर्ण दो ही त्रिभुज बने और दो भी बराबर है, गुण आकार प्रकार रूप रंग सभी बराबर, ये सात त्रिभुज बन गए दो सर्वांगसम। अब इसको बराबर भी तो करूं, यदि सर्वांगसम का पता कैसे चले,
तो बराबर कर इनको पहले तीन बजे ए बी सी में समूह बुझाए बराबर बोले ए बी बराबर सी ओ डी या डी ओ सी एक ही बात है। इधर कौन बी और बराबर कौन डी समकोण ये, और इधर कौन ए का आधा और इधर कौन सी का आधा आधा ही इसमें एक के जी आधा जी मैं लिख सकता हूँ लिखने को तो, लेकिन मैं आधा लिख दो आधा इसका हो जाएगा आधा इसका हो जाएगा आधा इसका हो जाएगा आधा इसका हो जाएगा सही बात है। अच्छा भुजा कौन भुजा नियम चाहिए, भुजा कौन भुजा नियम चाहिए, त्रिभुज सर्वांगसंग होगी इस नियम के हिसाब से, भुजा कौन भुजा नियम से ये त्रिभुज क्या होगी सर्वांगसंग होगी, भुजा कौन भुजा नियम या हाँ कौन कौन भुजा नियम से, कौन कौन भुजा नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसंग है, कौन कौन भुजा नियम से। अब मुझे एक बात बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं, मानते हैं चीज को ठीक साहब। अब साहब इसको बराबर करता हूं, त्रिभुज ए बी सी के कोण, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी और बराबर 180 डिग्री, सही बात है। अब आ जाओ त्रिभुज ए सी और डी के कोण, ए सी और डी के कोण, ए सी और डी के कोण आते हैं कोण ए प्लस कोण सी और प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात होता। अब मैं दोनों त्रिभुजों के कोणों को जोड़ता हूँ, तो त्रिभुज ए बी सी और प्लस त्रिभुज ए सी और डी बराबर त्रिभुजों का कोण 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए, दो त्रिभुजों को जोड़ा साहब, पहले को त्रिभुज का कोण 180 दूसरे त्रिभुज का कोण 180 डिग्री, सही बात है ठीक साहब। ए बी सी के कोण लिखा मैंने, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये थे ए बी सी की, और प्लस ए बी सी के कोण, कोण ए प्लस कोण सी और प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री कोई दिक्कत सही है साहब ठीक साहब। अब मैं एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री सही। अब मुझे एक बात बताइए ये कोण ये कोण बराबर है, फिर दो बार आ गया कोण ही, लेकिन ये आधा आधा था, ये क्या था आधा आधा, क्यों क्योंकि ये भी आधा था ए और ये भी सी का आधा था, ये तो आधे आधे कोण थे, तो ये कोण पूरा हो गया, ये कोण तो पूरा हो गया कोण ए प्लस। अब साहब सी भी आधा आधा था, सी भी क्या था आधा, सी भी क्या था आधा, पूरा हो गया कोण कोण सी प्लस कोण बी और कोण डी तो बराबर है, समकोण बराबर हो गए थे, समकोण बराबर हो गए थे बराबर 360 डिग्री। जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसको भी ए इसको भी ये कह दो, यानी कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, तो मैं ए की जगह जाए सी लिख दू और सी की जगह जाए ए लिख दू, बात एक ही है ठीक साहब। तो इसका मतलब कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री सही बात है। इधर तो गए कोण दो कोण ए प्लस दो कोण बी बराबर 360 डिग्री 360 डिग्री, और आ जाओ साहब कोण ए प्लस कोण बी इसमें दो कोण आ गया बराबर 360 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी
बराबर 360 बटा 2, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री बटा 2 का भाग दो, कितने हो गए 180 डिग्री। अब आप जानते हैं कि ये आधार रेखा है, ये दोनों पर लंब आधार है, और लंब की स्थिति में कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का, तो इसका मतलब क्या होगा कोण ए बराबर 180 डिग्री बटा 2 बराबर 90। आधार पर बनने वाले कोण 90-90 डिग्री के, कितने के 90-90 डिग्री के, ऐसी परिस्थिति में समकोण वैसे बराबर बताया गया त्रिभुज के हिसाब से। इसका मतलब क्या सिद्ध होता है कि वास्तव में आयत के चारों कोण क्या होते हैं बराबर बराबर होते हैं, आयत के चारों कोण क्या होते हैं बराबर बराबर होते हैं, है कि नहीं। हाँ, अब कल देखेंगे एक गुण और कि आयत का, अच्छा इसमें दो बातें सिद्ध होती है कि पहली बात कि एक आयत का विकर्ण दो समांतर त्रिभुज बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो आयत के अंदर प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। अब आय से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर है ना, वो इस विशेष आप सॉल्व कर ले, आपका आय से जुड़ा हुआ कोई भी विशेष सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।